काफी समय से अधर में लटका राम मंदिर का मामला अब सुलझ गया है, जिसके अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि राम मंदिर का मॉडल वैसा ही होगा जैसा पहले था। लेकिन सबके जहन में यह सवाल है कि आखिर इसका निर्माण कब होगा। हो सकता है कि अप्रैल में इसके निर्माण की शुरुआत हो जाए, लेकिन फिर भी सबके सामने ये सवाल आता है कि आखिर जिस राम मंदिर को लेकर इतना बवाल हो रहा था वो कैसा होगा, कैसी होगी इसकी खासियत, क्या होगा इसमें खास। दुनिया का आठवां अजूबा होगा अयोध्या का राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर से बड़ा राम लला का गर्भगृह, 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा और 268 फीट लंबा होगा मंदिर, 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ देख सकेंगे आरती। राम मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुर का संबंध एक ऐसे परिवार से है जो पारंपरिक भारतीय नागर शैली के मंदिरों के डिजाइन बनाने में महारत हासिल है। चंद्रकांत भाई के पिता भी देश के जाने माने आर्किटेक्ट रहे हैं। गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार पीढ़ियों से मंदिर डिजाइन कर रहा है। उन्हीं के परिवार ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन किया था। वहीं लंदन में स्वामी नारायण मंदिर केवल 2 साल में तैयार करवाया गया था। चंद्रकांत के मुताबिक उन्होंने 6 महीने में 6 किस्म के डिजाइन पर काम करते हुए राम मंदिर का नागर शैली मॉडल तैयार किया था। भारत में नागर, द्रविड़ और बैसर शैली में मंदिर का निर्माण होता है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रसिद्ध है। मंदिर के लिए 50% काम पूरा हो चुका है। इसके गुंबद को अभी डिजाइन किया जा रहा है। इसे 150 फुट चौड़ा, 270 फुट लंबा और 270 फुट ऊंचे गुंबद आकार में रचा जाएगा। इसमें सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह के सुंदर प्रवेश द्वार होंगे। फर्श पर संगमरमर का इस्तेमाल होगा। बाकी निर्माण पत्थर भरतपुर से लाए जाएंगे। मंदिर आधार से शिखर तक 4 कोण का और गर्भगृह 8 कोण का होगा। परिक्रमा वृत्ताकार होगा। मॉडल 2 मंजिला है। भूतल पर मंदिर और ऊपरी मंजिल पर राम दरबार होगा। मंदिर में 221 स्तंभ होंगे। हर एक पर देवी देवताओं की 12 आकृतियां बनी होंगी। मंदिर में ही संत निवास होगा, शोध केंद्र, कर्मचारी आवास, भोजनालय आदि भी होगा। राम मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। भगवान राम की प्रतिमा और राम दरबार का निर्माण होगा। मंदिर की खासियत ये रहेगी कि मुख्य मंदिर में सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी उनके इर्द गिर्द होंगी। आपने देखा कि कैसा होगा राम मंदिर, और इसमें सबसे खास बात ये होगी कि इसमें कोई भी विदेशी सहयोग नहीं लिया जाएगा। जब ये मंदिर बन जाएगा तो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाएगा। इसमें राम के अलावा 4 और मंदिर होंगे जो राम मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। हमारी खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।